तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के पद की अगर बात करें हम, राष्ट्रपति जी के अगर पद की बात करें तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल के पास में होता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? क्वेश्चन सुनिएगा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, घट जाती है ना। तरंग की आवृत्ति अगर बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। अब कब किया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में किया था, 13वीं शताब्दी में किया था। और कहाँ पर किया था? तो पुरी में, जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। जी हाँ, चार मीनार जो है किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अगर चार मीनार के निर्माण की बात करें तो इनका जो निर्माण है कुली कुतुब शाही ने किया था, जो कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में। अगर इसका निर्माण की बात करें तो 1591 में, कब? 1591 में। ठीक है, तो कौन सा मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो चार मीनार निर्माण किसने किया? कुली कुतुब शाही ने। कहाँ है? तो हैदराबाद में। और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1591 में। अगर ताजमहल के निर्माण की बात करें तो जो ताजमहल का निर्माण है 1632 ईस्वी से 1654 ईस्वी तक, कहाँ से 1632 ईस्वी से 1654 ईस्वी के बीच में शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसके कब्र के ऊपर उसका निर्माण करवाया था। और अगर इसके कलाकार की बात करें, ताजमहल के कलाकार की, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, इत्माद उद्दौला का मकबरा, जो इत्माद उद्दौला है ऑप्शन नंबर डी, आप देख रहे हो कि जो इत्माद उद्दौला है इनका मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था। ठीक है, अगर बीवी के मकबरे की बात करें तो जो बीवी का मकबरा है इसका निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए। जो प्रोटोजोआ है निम्न में से एक कोशिकी जीव का उदाहरण है। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो इसके जीवद्रव्य में अनेक केंद्र पाए जाते हैं। क्या? इसके जीवद्रव्य में क्या होते हैं? अनेक केंद्र पाए जाते हैं। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। ठीक है फ्रेंड, अगर ऑप्शन नंबर डी एनिलिड की बात करें, एनिलिड्स का, तो यह शरीर का जो होता है ना, शरीर इसमें क्या होता है, लंबा होता है और पतला होता है, द्विपार्श्विति तथा खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक है, अगर इसके प्रचलन में अगर मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, तो काइटिन के बने सीटों के द्वारा इसका प्रचलन होता है। ठीक है फ्रेंड, जो एनिलिड्स ग्रुप है इनका रुधिर कैसा होता है, लाल होता है, एवं तंत्रिका तंत्र जो होता है साधारण होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जोंक और केचुआ। ठीक है,
अगर बात करें एकिनोडर्मस की, किसकी? एकिनोडर्मस की, तो यह संघ के सभी जंतु जो होते हैं ना, एकिनोडर्मस संघ के सभी जंतु कैसे होते? समुद्री जंतु होते हैं। कौन से जंतु होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवा, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जी हाँ, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर पेनिसिलिन की बात करें तो ये जो है एक जैविक पेनिसिलियम, कौन सा? जैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। अगर पेनिसिलिन की खोज की अगर बात की जाए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कब की थी, तो ये की थी 1928 ईस्वी में। कब की थी? 1928 ईस्वी में। अगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर बात करें तो जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। किसका? माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, और कब किया था? तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब करी? तो 1928 में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कार किया है, और कब किया है? तो 1876 में। अगर जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की अगर बात की जाए तो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में। कब? 1683 ईस्वी में लुवेन हॉक ने की थी। और विषाणु की अगर खोज की बात की जाए तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में इवानोस्की द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सातवां, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर सातवां है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। और इस संविधान संशोधन के तहत, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, इस संविधान के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। अगर और इस संशोधन की अगर बात की जाए तो इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगर भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगर संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर बात करें तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अंतिम बैठक कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी को। क्या हुआ था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आठवां है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का जो अगर नृत्य शैली का अगर बात की जाए तो क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की अगर लोक नृत्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है लावणी। क्या क्या होता है? लावणी और तमाशा, और एक और होता है मौनी। तो महाराष्ट्र के क्या हो गए? लावणी, तमाशा और मौनी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वह है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार के नाम बताओ तो क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल, मानसिंह और मृगलिनी साराभाई। ये क्या करती है? तो भरतनाट्यम करती है। अगर उड़ीसा की अगर बात की जाए तो जो संयुक्त पाणिनि ग्रह का संबंध जो है ना, उड़ीसा लोक नृत्य से ही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौवा, कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को बंगाल के शोक
के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर दामोदर नदी की बात करें तो जो दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के, कहाँ से, झारखंड के लातेहारा जिले के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ था। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। 1948 में क्या किया गया था, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर दोस्त फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि तेनुघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर, दामोदर नदी पर। और अय्यर बांध और बर्मा बांध का भी निर्माण किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर ही इसका निर्माण है। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें हम, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के, कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। और इसी नदी को तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगर भागीरथी और हुगली, ठीक है, अगर हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी का उद्गम स्थल गंगा नदी से ही होता है। और भागीरथी नदी का बात करें तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम ही क्या होता है, गंगा नदी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दसवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दसवा है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। अगर मैं माइकल टाइसन की अगर बात करें हम दोस्तों, तो जो माइकल टाइसन है इसको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। और यान थार्पे की अगर बात करें, तो जो यान थार्पे है उनको तार पीड़ो के नाम से भी जाना जाता है। पेले नाम आप सुना ही होगा, अगर पेले की बात करें तो पेले का उपनाम है ब्लैक पर्ल। ठीक है, पेले का उपनाम क्या हो जाएगा, ब्लैक पर्ल। एक बार फिर से देख लेते हैं, द रियल डील उपनाम किसका है, तो यह है इवांडर होलीफील्ड का। माइकल टाइसन का उपनाम तो फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग फिश। और अगर हम बात करें यान थोपे की, तो इनका हो जाएगा तारपीड़ो। और पहले की अगर बात करें तो पहले का उपनाम हो जाएगा ब्लैक पर्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया है। अगर क्रिकेट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट खेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगर क्रिकेट के पहले टेस्ट मैच की बात करें, क्रिकेट के पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो 1857 ईस्वी में। कब खेला गया था, 1857 ईस्वी में। और किसके बीच खेला गया था, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कहाँ खेला गया था, तो मेलबर्न में। ठीक है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है, तो जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था होती है वो होती है ICC। ठीक है, अगर ICC की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दुबई में स्थित है। ठीक है, अगर भारत में अगर बात करें कि भारत में क्रिकेट की देखरेख कौन करता है, तो ये करता है BCCI। कौन करता है, BCCI। ठीक है, और चाइना मेन, सिली पॉइंट और पॉपिंग क्रिज शब्द का संबंध किस खेल से है, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। तो क्या क्या देखा अपन ने, इसके देख लेते हैं क्रिकेट, तो कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, तो संयुक्त राज्य
अमेरिका ने। क्रिकेट खेल खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड, इंग्लैंड को, है ना। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो 1877 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कहाँ, तो मेलबर्न में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था क्या थी, तो आईसीसी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दुबई में। भारत में क्रिकेट की देखरेख कौन करता है, तो बीसीसीआई। चाइना मेन, सिली पॉइंट और पॉपिंग क्रिस शब्द का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चोलिस्तान। जी हाँ, क्या कहा जाता है, तो चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो चोलिस्तान कहा जाता है। अगर थार रेगिस्तान की बात की जाए, तो जो थार रेगिस्तान है ना, इसका कुल क्षेत्रफल होता है 260,000 वर्ग किलोमीटर। जो थार है, तो थार का जो क्षेत्रफल है कितना है, 260,000 वर्ग किलोमीटर। थार के अगर विस्तार क्षेत्र की बात करें, तो यह है उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लूनी नदी। जी हाँ, जो लूनी नदी है वो कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो थार के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। ठीक है, गोबी रेगिस्तान की बात की जाए, तो जो गोबी रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया और चीन के विस्तृत क्षेत्र में इसकी स्थिति है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा है, और ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो फिर से एक बार, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं, तो चोलिस्तान। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 260,000 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो थार रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। गोबी रेगिस्तान कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को किस विज्ञान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल के जानवरों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस नाम से जाना जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान या पेलियोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर नृवि विज्ञान की बात करें, कौन कौन से, एंथ्रोपोलॉजी, नृवि विज्ञान की, तो यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें क्या क्या होता है, मानव के विकास का अध्ययन। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषय का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो नृवि विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। अगर पुरातत्व विज्ञान की बात करें हम, तो जो पुरातत्व विज्ञान होता है, इससे पुरातत्व संबंधी क्या क्या, जो पुरातत्व विज्ञान है, इससे पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। अगर सेरिकल्चर की बात करें, तो जो सेरिकल्चर होता है, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और रेशम के उत्पादन के अध्ययन का किया जाता है। तो हम एक आपसे क्वेश्चन करते हैं कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह हमारा क्वेश्चन है आपसे कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्नोलॉजी। क्या, हिप्नोलॉजी, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिप्नोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा मिथेन। मिथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मिथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मिथेन है, जो कि 80% होती है। कितनी होती है, 80% होती है।
ठीक है, अगर ब्यूटेन की बात करें तो आपने सिगरेट लाइटर देखा ही होगा, तो जो सिगरेट लाइटर है उसमें किस गैस का उपयोग होता है, तो ब्यूटेन गैस का उपयोग होता है। जो प्राकृतिक गैस होती है ना, जो प्राकृतिक गैस होती है ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से ही बनी होती है ना, जिसे यहाँ द्रवित कर हम कहाँ भरते हैं, सिलेंडरों में भर लिया जाता है। अगर अक्रिय गैस की कुल संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है, 6। अक्रिय गैस की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है, जो रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। रेडॉन गैस क्या होती है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, ठीक है। जो फॉस्फीन गैस की अगर बात करें हम, तो फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है, जिसमें मीथेन 80% होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का यूज़ होता है, तो ब्यूटेन का होता है ना। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसे हम द्रवित कर कहाँ भर लेते हैं, सिलेंडर में भर लेते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस की कुल संख्या की बात करें तो कितनी है, 6 है। रेडॉन की अगर बात की जाए तो रेडॉन जो होती है गैसीय तत्वों में सबसे भारी होती है। क्लोरीन गैस की बात करें तो यह फूलों का रंग उड़ा देती है। अगर हम फास्फीन की बात करें तो फास्फीन जो होती है समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 है, कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकार थे, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकार थे, तो आंसर हो जाएगा इसका बिंदुसार के। जी हाँ फ्रेंड, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकार थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें हम, तो यह मौर्य काल के या मौर्य वंश के, कौन से, मौर्य वंश के संस्थापक है, ठीक है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका उत्तराधिकारी कौन था, बिंदु, और बिंदु का सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो बिंदुसार के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकार कौन हुए, बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकार कौन हुआ था, तो अशोक, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 345 ईस्वी में। कब हुआ था, 345 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे चाणक्य। कौन था, चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था, तो कौन रहता था, मेगास्थनीज रहता था, जो किसका राजदूत हुआ करता था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ था। अगर मैगनिस्थीज रहता था तो मैगनिस्थीज की बुक का नाम क्या था, तो इंडिका था। क्या था, इंडिका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो ये थे बृहद्रथ। कौन थे, बृहद्रथ, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि जो बिंदुसार है, ठीक है ना, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, या बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो जो बिंदुसार के उपनाम की अगर हम बात करें तो इनका उपनाम था अमित्र घात। क्या था, अमित्र घात, याद रखिएगा बिंदुसार का उपनाम क्या होता है, अमित्र घात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। क्या है, निकोसिया। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी हो गई, निकोसिया, अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए, ठीक है। राजधानी तो निकोसिया हो गई साइप्रस, और साइप्रस की अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है पाउंड। साइप्रस की मुद्रा क्या हो जाएगी, पाउंड। बुर्नई की राजधानी क्या है, तो बुर्नई की राजधानी हो जाएगी बंदर सैरी। बुर्नई की राजधानी क्या हो जाएगी, बंदर सैरी, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगी बिश्केक, और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो सोम। पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी हो जाएगी वारसा, और वहाँ की मुद्रा हो जाएगी जलोती, ठीक है। साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया, मुद्रा क्या है, पाउंड। बोर्नी की राजधानी क्या है, बंदर शहरी, और बंदर शहरी की मुद्रा क्या है, तो डॉलर। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो बिश्केक, और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो सो। पोलैंड की राजधानी क्या है, तो वारसा, और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो जलोती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17।
कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां किसका वहन करती है? रक्त की, जो किससे भरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है, धमनियां रक्त का वहन करती है और वह ऑक्सीजन से भरी होती है। ठीक है, अगर हम बात की जाए जो हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर, ठीक है, रक्त में जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। धमनी की अगर बात करें तो जो हृदय से शरीर का जो रक्त है उसको रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है। इसमें एक अपवाद है क्या? फ्लोमोनरी धमनी। ठीक है, हृदय के अगर दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का आकार चपटा, गोल और नारंगी के समान है। कैसा? चपटा, गोल और नारंगी के समान। अगर पृथ्वी की हम बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी जो है ना आकार में, किसमें? आकार में पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर 23.2 डिग्री झुका हुआ है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसपे जीवन संभव है? तो यह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का अगर एकमात्र उपग्रह की बात की जाए तो क्या है? चंद्रमा। ठीक है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके जैसी दिखाई देती है? तो सूर्य के जैसी दिखाई देती है ना। इसीलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर किसकी उपस्थिति अधिक होती है? तो जल की उपस्थिति अधिक होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है? तो यहाँ पर जल की उपस्थिति होती है इसीलिए। ठीक है, अगर पृथ्वी का विषुवती व्यास की अगर बात करें, ठीक है, पृथ्वी के विषुवती व्यास की अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी का विषुवती व्यास होता है वो होता है 12756, कितना? 12756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ध्रुवीय व्यास होता है 12714 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया पृथ्वी से? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा, गोल, नारंगी के समान है। यह पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर कितना झुका है? तो 23.2 डिग्री झुका है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके जैसी दिखाई देती है? तो शुक्र के जैसी दिखाई देती है ना, इसीलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की अगर विषुवती व्यास की बात करें तो 12756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12714 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अरुणा आशफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आशफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आशफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 9 अगस्त 1942 से। भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहाँ दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह है एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। जो मृणालिनी साराभाई थी वह एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है
वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। और किस बंदरगाह पर आया था? तो ये बंदरगाह थे कालीकट। किस बंदरगाह पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। और इन्होंने भारत पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। अब वास्को डिगामा अगर आए थे तो वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे, मतलब कहाँ के यात्री थे? तो ये थे पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल से आया था, है ना। और पुर्तगालों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ये खोली थी कोची में। कहाँ खोली थी? कोची में, ठीक है। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। किस बंदरगाह? तो कालीकट बंदरगाह पर। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से। और पुर्तगालियों की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22वां है कि दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22वां है दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। अमृतसर में दाम्बूला का कहाँ पाया जाता है दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर? तो ये पाया जाता है श्रीलंका में। कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। अगर स्वर्ण मंदिर की बात की जाए, ठीक है ना, सिर्फ स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है अमृतसर में। दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? कन्फ्यूज ना होइएगा। दाम्बूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। और अमृतसर में जब स्थित है तो इसका निर्माण किनने किया था? तो इनका निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आप आपसे कि मर्डेका प्लेस कहाँ स्थित है? तो जो मर्डेका प्लेस है वो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मर्डेका प्लेस स्थित है। पोटाना नहासा कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो यह सिडनी में हो जाएगा। श्वेत ड्रैगन पैगोड़ा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में स्थित है, ठीक है। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसा, जो कहाँ स्थित है? तो इटली में। पेंटागन कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वां। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में स्थित बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत की आज़ादी के समय आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में दिया था। कौन सा नारा? करो या मरो, डू और डाई का नारा। अगर हम बात करें दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, इसका नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? तो इकबाल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो आंखों की फोकस दूरी को बदलना ही हमारी आंखों में लेंस का काम होता है, ठीक है। अगर लेंस की बात करें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे सुनामी
इसे हॉर्वर व्यू के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे सुनामी या हॉर्वर व्यू के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र के भीतर के भूकंप को हॉर्वर व्यू के नाम से जाना जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और सागरी भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। और हम सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, रिएक्टर स्केल जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा चार्ल्स रिएक्टर द्वारा। और कब की गई थी? तो 1935 ईस्वी में की गई थी। जो 6.2 का जो भूकंप होता है ना, वो शक्तिशाली भूकंप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर ऑस्ट्रेलिया की खोज की बात की जाए तो एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में खोजा था, जबकि कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 22 देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो एवोजिर्नियस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां अभी तक एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम की अगर बात की जाए तो इनके उपनाम हो जाएगा द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनाम है। ठीक है, अंटार्कटिका की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ना, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो जो अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है तो आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। खोज किसने करी? तो एबल तस्मान ने 1642 ईस्वी में और कप्तान कुक ने 1769 ईस्वी में। किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। कुल कितने देश है इस महाद्वीप में? तो 22 देश है। इसके मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो एवोजिर्नियस कहते हैं। यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं आए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप की अगर बात करें हम तो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां। हैकर से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 28वां है कि हैकर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर की बात करें, ठीक है ना, तो कंप्यूटर का पितामह कौन है? चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ। और कंप्यूटर में जो अशुद्धियां पाई जाती है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बग। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है, तो हैकर क्या है? तो वह व्यक्ति जो डेटा को अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है हैकर कहलाता है। कंप्यूटर्स का अगर पितामह की बात करें तो कौन हो जाएगा? चार्ल्स वेवेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, और कंप्यूटर की अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर मार्च की बात की तो 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक, 27 सितंबर को कौन सा दिवस? तो विश्व पर्यटन दिवस। 14 नवंबर को कौन सा दिवस? तो विश्व मधुमेह दिवस। और 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो याद रखिएगा, किसी भी तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोल तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है 31वें नंबर का कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? क्वेश्चन सुनिएगा कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी के नाम सर्वाधिक ऑस्कर पुरुष जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड है। अगर ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का अवार्ड माना जाता है, और ऑस्कर की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1929 ईस्वी से। कब से हुई थी? 1929 ईस्वी से। और यह अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अगर ग्रेमी अवार्ड की बात करें तो ग्रेमी अवार्ड जो होता है ना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1958 से। ठीक है, ऑस्कर की शुरुआत 1929 से। कहाँ दिया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1958 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वाप्टा फिल्म उत्सव समारोह का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32वां, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर जो थे ना, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे। अगर हॉकी की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। और ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद पिल्ले भारतीय हॉकी कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33वां, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चावल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सॉरी, एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा गन्ना से प्राप्त किया जाता है ना। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना से प्राप्त किया जाता है। गन्ना के जो खोई होती है, क्या खोई, जिसे गांव की भाषा में चीपा भी कहा जाता है, तो इससे बिजली प्राप्त की जाती है। अगर चावल की बात की जाए तो चावल में थायमिन पाया जाता है। चावल में थायमिन पाया जाता है। ठीक है, एथेनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना से। और गन्ना के खोई से क्या प्राप्त की जाती है? तो बिजली प्राप्त की जाती है। चावल की बात करें तो चावल में क्या पाया जाता है? तो थायमिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BMI का। किसका? BMI का उपयोग मोटापे को मापने के लिए किया जाता है। अगर RBC की संख्या की बात की जाए कि RBC की संख्या को किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है।
किससे? हिमोसाइटोमीटर से, रेनगेज से वर्षा का मापन किया जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35वां। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? क्वेश्चन नंबर 35वां है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फलक्रम। फलक्रम वह बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। अगर लीवर की बात करें तो लीवर के तीन बिंदु होते हैं, कौन से? पहला होता है आलंब, दूसरा होता है आयाम और तीसरा होता है भार। ठीक है, जो जो फलक्रम है वह लीवर पर वह बिंदु जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है और लीवर के तीन बिंदु होते हैं, कौन से? आलंब, आयाम और भार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया था। क्या? इंडियन बर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया था। अगर डॉक्टर सलीम की बात की जाए तो डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए थे। ठीक है, बाज पक्षी शिकारी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। शिकारी पक्षी किसे कहते हैं? तो बाज पक्षी को शिकारी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अगर और एक क्वेश्चन कि पर्यावरण मित्र पक्षी कौन सा है, तो यह हो जाएगा बाज पक्षी को पर्यावरण मित्र पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 37वां कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विशेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति। जी हाँ, परिस्थिति को जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38वां। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38वां है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। जी हाँ, बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो की अगर बात करें हम, तो जो प्लूटो है ना, इसे बौना ग्रह की संज्ञा प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी में दी गई थी। मतलब जो 2006 ईस्वी में जो प्राग सम्मेलन हुआ था ना, इसमें ग्रहों का पद प्लूटो से छीन लिया गया था। इसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह कहलाने लगा। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39वां कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कूलाम। कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट और कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40वां। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम हो जाएगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन। अगर हम बात करें रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी हो जाएगी मास्रो। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? तो काहिरा। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो वियना। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी? तो लीमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41वां कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस में। और कब से कब तक हुआ था? तो 28 नवंबर से 13 दिसंबर 2015 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था इसका? तो ये हो जाएगा पेरिस में हुआ था। ठीक है, टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 195 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोप 21 के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, अगर COP21 की अगर बात की तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रेस की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि 2050 ईस्वी तक CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन को शून्य करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड अन्नकूट, जो कलाई कल्लानाई में स्थित है। तो भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाएगा? तो ग्रैंड अन्नकूट जो है भारत का सबसे पुराना बांध है। नागार्जुन सागर की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध जो दोनों है ना, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध दोनों कृष्णा नदी पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? कृष्णा नदी पर हैं। ठीक है, भागड़ा नाला की अगर बात करें तो जो भागड़ा नाला बांध है ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भागड़ा नागला बांध, जो किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध की अगर हम बात करें तो इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध जो है ना सतलज नदी पर स्थित है। भागड़ा नाला बांध और इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। अगर हम बोले कि वह कौन सा बांध है जो अफगानिस्तान में है और भारत की मदद से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सालमा बांध। जी हाँ दोस्तों, जो सालमा बांध है ना कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है और भारत की मदद से बना था। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध ठीक है महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अन्नकूट, नागार्जुन और अलमाड़ी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, भागड़ा नाला बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर। सालमा बांध कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में, और किसकी मदद से तैयार हुआ है? तो भारत की मदद से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43वां कि 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? 2018 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा योंगचांग में। कहाँ आयोजित हुए थे? योंगचांग 2018 के। अगर बात की जाए 2014 के, तो 2014 के कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे सोची, जो कि कहाँ पर स्थित है? रूस में। ठीक है, 2018 का योंगचांग, 2014 का सोची रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां, पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गोताखोर अपने साथ हीलियम, जो गोताखोर होते हैं ना वो अपने साथ हीलियम प्लस ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर को श्वसन के लिए नियमित बनाए रखने के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप से पानी के अंदर से पानी की बाहरी वस्तु को देखते हैं, जो पेरिस्कोप होते हैं ना उससे पानी के अंदर से बाहरी वस्तु को देख सकते हैं। अगर रडार की हम बात करें तो जो रडार है ना ये वायुयान के संकेतों का ग्रहण करती है। फैदोमीटर से क्या किया जाता है? तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45वां, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, स्वतंत्र भारत के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्रता प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46वां, क्वेश्चन नंबर 46वां है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47वां,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी 7 मौलिक अधिकार। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। 1976 ईस्वी में, कब? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, कब? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनन अधिकारी जो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 49वें नंबर का। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेन वावरिंका ने। स्टेन वावरिंका ने 2015 के पुरुष का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। याद रखिएगा, जो चारों ओपन जीत लेता है ना, चारों ओपन जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां। अगला क्वेश्चन है 50वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। जी हाँ, जो कनाडा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, तो हो जाएगा रूस। कौन सा? रूस। ठीक है, और क्षेत्रफल में क्रमशः चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें ना, तो ये तृतीय, चतुर्थ और पांचवें स्थान पर है। भारत का अगर क्षेत्रफल में कौन सा भाग है, तो 7वें नंबर पे। और अर्जेंटीना का कौन सा है, तो 8वां भाग है। भारत का क्षेत्रफल के कुल भूभाग का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।